परसागढ़ी नगर पालिका के कुछ कर्मचारी लोग आंदोलन कैले बा कारण कि वहाँ लगन के पेट पर लात मारे वाला काम आइके आई के कैले बा ए माले के सरकार अर्थात गोकर्ण पाठक मेयर साहब जे बानी नगर पालिका के मेयर वहाँ के नेतृत्व में यहाँ लगन के म्याद थप करे वाला काम नहीं है हो सकता स्वास्थ्य के, के तेरह जना कर्मचारी चार गो अह चार गो अनमी आ पाँच गो कार्यालय सहयोगी करके तेरह जना के जागिर गए आई ये विषय में आंदोलनरत कर्मचारी लोग से हमने के कुछ बातचीत जा रहा, रहा समस्या का बातचीत का के साथ में एक जने बानी आ, अपना बताओ जी दीपेंद्र कुमार चौरसिया अच्छा अपन घर कहा अपने लग बोरा चट्टी बिछा के बैठल बानी अब बैठे के बाध्य बना दिल लोग अब हमनी के समस्या का बा कहा बाक़ी हनन की को बिना अग्रिम तैयारी के अग्रिम जानकारी के एकाएक के अपने के बीतल महीना के दस महीना के उन्तीस गते घर घर ही अपने के बिहान से अपने के ऑफिस ना आवे के बा कह के चिट्ठी सात बजे घर घर पुगला के अवस्था के बाद के कुछ बात करे के खोजनी सर आके बात कोई नहीं सा, बात सत के बावजूद में भी ना तो बोर्ड के निर्णय है बोर्ड से जोन की बोर्ड में ले जाए वाला विषय भी, भी ना है ह एक के विवादित बना के बोर्ड में पुगा के आ बोर्ड में पुगैल के बाद में वहाँ से निर्णय करा के आ हनिके हटाल गुन षड्यंत्रपूर्ण काम बाटे हमनी के साथ में एकदम ना उखे वाला काम है इस ना करे के चाहिए तो पहले भी एक चरण के डोर हाजरी वाला के तो ले लोग कितना आदमी पाँच आदमी कि छः आदमी रहे वो में अपने लोगन के लोक नारायण यादव जी के आदमी रह देखिए कर्मचारी केहू के आदमी ना होखला कर्मचारी तो कर्मचारी ह हरेक ओभी स्वास्थ्य विषय विषयको कर्मचारी हरेक के सेवा करता कर्मचारी कबो पारिगत विशेष ना हो पार्टी के ना हो खेला। ना जैसे अभी में एम पर्सगढीमा के बहुमत बार्डमा त जो तथि गरै लो रनी कांग्रेसिया पार्टी के कार्यकर्ता नेता लोग ओकरा चलते ल हटा अब उहाँको मनसाय अब काल होइ सायद हो सकत

जितला के बाद पहल पहल का योगदान स्वास्थ्य के कर्मचारी संवेदनशील विषय का काम मार खैर तेरह जना के लात मरनी पर तेरह जना के पछाड़ी भी तो परिवार रहे तो मतलब हाँ। कि अपने के छीने के ना चाहिए। जी जी तो एफ अपने के आंदोलन करा बार आंदोलन से कर ले आंदोलन अगबे करी हम से मिलबे करी आंदोलन से फैसला मिलबे करी करके हम अपना के हटा के अभी कर्मचारी नियुक्त कि ना दोसर ना अभी तो नियुक्त ना होटे लेकिन अब इस संस्था कौन हिसाब के संस्था है एक तंगा हम अपने के बतावे के चाहते नहीं जो नेपाल सरकार के नीति रहे अपने के हर एक वार्ड स्वास्थ्य चौकी कह के परसागुड़ी में अपने के नौ गो वार्ड नौ गो में अपने के पाँच गो पुरान संस्था पहले से ही रहे तो नेपाल सरकार के केंद्र के नीति अनुसार जो वार्डा में अपने के चार गो परसागढ़ के वाडा में जहाँ पोस्ट ना रहे वहाँ अपने के स्थापना भी अब ये चार गो वाडा में जैमें अपने के एक नंबर सात नंबर नौ नंबर आ तीन नंबर इ चार गो वार्ड में अपने के स्वास्थ्य चौकी ना रहे तो चार गो वाडा में स्थापना भाँकि की अपने के सब करार के ही कर्मचारी रहे अभी हमिके हट हटैला के बाद में उ संस्था बंद अभी बंद अवस्था भाव अब लोग का कैले बा लोग जन पुरान संस्था बाह्र पहिलेस गो कर्मचारी अपू वा पुरानो संस्थामारबबन्दी बा कर्मचारी नै टोटल कितना दरबन्दी बा कितना कर्मचारी ना बता सकेम लेकिन दु तीन गो संस्था जो बा जस्तै बागवान पीएचसी बायद ल्याब टेक्निसियन नै एगो अब अनमी नै के कु तीन गो संस्था पहिले पुरान संस्था बाुक कर्मचारी बटे जहाँ दौरबन्दी बा कर्मचारी नै हे अस हजार दुई सय केंग है? है। अब घर परिवार अब चलत है, है।, है मतलब मेयर लेके चाहे विज्ञप्ति लगन तित से कहाँ के बात उहाँसँग तलब के अभाव बतैलन के अभाव बतैलन कि हामीले तलब खुवाउन सक्दैन अब, अब देखि यहाँ जब उहाँ के, अपने के में नगर सभा नहीं, बजट विनियोजन कहीनी वहबेरा उनका था ना रही है कि चार गो संस्था भी बा में परसागुड़ी में चार गो संस्था बा जहाँ करार के बारे तेरह गो कर्मचारी वालन सनी त तो वहाँ पैसा हमी ला विनियोजन करे के चाहिए कि ना करे के चाहिए पैसा छुटियाबे के चाहिए विवादित विवादित से बनावल के तो से रहे कहीं ना कहीं अपने के साहब पैसा चुनाव में खर्चा के निकाले खातिर हो सकता, वो भी तो हो सकता। है कर्मचारी तो तो चाहे अगर वहाँ कर्मचारी ना चाहे वहाँ कर्मचारी नहीं खेरा के इतना हमी के लिखित रूप में दे देस कि वहाँ दोसर कर्मचारी ना रखेम वहाँ कर्मचारी करार के धरना ना करेम हमनिकारा अभी नहीं छोड़ मेयर साहब के मतलब

अब हमने के एक हफ्ता अपने के शांतिपूर्ण धरना बटे ऑफिस में जो अभी बिरामी जात हुई तो के उपचार हो रहा फिर के जाता लोग बंद बाफिस ऑफिस तो बंद फिर के जाता लोग तो एक्शन में आंदोलन का हो अब अब एक हफ्ता के धरना के बाद में भी ना सुनवाई हुई में हमन चरण बद्ध आंदोलन बा बाद में सभा सम्मेलन भाषण बटे और के ही अब आगे के कार्यक्रम तय करे के हमने के मैने बाटे की अब आगे का कर एक हफ्ता देख के दर्शक बिंदी यहाँ के बानी लगन परसागढ़ी के नगर पालिका के कर्मचारी स्वास्थ्य शाखा में कार्यरत तो रहन लेकिन अभी माघ ए गते से से यहाँ लगन के पद निष्कासित कर दे बा अर्थात जो छह महीना में म्याद थप हो कला नगर पालिका नही कैल आ चिट्ठी भेज बा कि घरे बैठे के बाटे अपना लगन के ऑफिस नही आध्या प्रसाद यादव कहाँ घर परसागढ़ी नंबर सात जो नगर पालिका बा ठीक बा एकदम बहुत गलत बा बहुत अन्याय के बा जनता के साथ भी भइल बा और कर्मचारी लोग के साथ सांस जो लोग पेट में लात मारल अन्याय ले बा लेकिन सभा ग्राही के भी बहुत समस्या हो रहा, समस्या हो रहा।, हो रहा। कि है कि हो। बा जैसे कि पैल की पांच गो यहाँ के स्वास्थ्य संस्था हमें भी कर्मचारी नपूग बा जैसे बागेश्वरी हमार छ नंबर वार्ड में बागेश्वरी हेल्थ पोस्ट जौन बा पी एस सी वहाँ लोग मेयर साहब के पला में बर्थिंग सेंटर एकदम बढ़िया से सुचारू रहे बीच में वहाँ के स्टाफ के थाईया स्टाफ के वहाँ के एने को के जबकि यहाँ के गोकर्ण पाठक जी मेयर नहीं वहाँ के स्टाफ के वहाँ से तान दिन दूसर जगह वहाँ पी एस फिर वहाँ बर्थिंग सेंटर बंद हो गई बाद स्टाफ ना भैया से आधारभूत जौन तेरह आदमी के हटैलो बलो यही में से दू गो लेडीज स्टाफ के वहाँ रख के बर्थिंग सेन्टर लोग चलावतलो आज से फिर लोग से बर्थिंग सेंटर में ताला लागल बा मरीज जा रहा मरीज अब जकर अल्पत्र में बा अब जरा लगा पैसा बा बाहन ज्यादा बचाई सुख करावे अब जकर नहीं खेला दिक्कत बा कर्मचारी लोग के के साथ में गांव समाज बा एकदम बा कर्मचारी लोग के साथ में एकदम गांव समाज बा यहाँ सबन शांतिपूर्ण आंदोलन में बा गाँव समाज यहाँ नहीं आवत आ लोग जब अपन कड़ा स्टेप लेम

रहे उ सब खत्रुट्याएकी चाहिँ सर यो जस्तै कर्मचारीको समस्या छ नि के भएको हो आधारभूत कर्मचारीलाई चाहिँ यो हामीले साउन एक को छ महिनाको म्याद थपिएको थियौँ यो बिचमा हामीले स्रोत खोजी गऱ्यौँ स्रोतको थोप सम्भावना नभइसकेपछि हामीले गत आबको पनि अब बजेट रहेन छ अब पैसा त खुवाउनु पऱ्यो भनेर पैसा हामीले चाहिँ पैसा खुवायौँ फेरि छ महिना आयो छ महिनामा त फेरि म्याथ पनि थप्नु पऱ्यो पैसाको पनि सुनिश्चित हुनु पऱ्यो यो कुरा हामीले बोर्डमा लयौँ बोर्डले पैसा खुवाउने सहमति दिएन त्यसपछि म्याथ थप्नु गर्न सकेन चान्सेस छ उहाँहरूको जागिर फेरि फर्किन्छ कि के छ अब हामी त्यसको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेछौँ कहीँ कतैबाट को मेयर साहब अब जस्तै सत्ता र सरकार आ मा, आफ्नो मान्छेहरू विभिन्न स्थानीय पालिकाहरूमा राख्ने चाहिँ ट्रेन्ड चलिरहेको छ यो देशभरिकै समस्या भएको छ स्थानीय सरकारको पर्सागढीमा पनि पर त्यस्तै देखिन्छ कि के छ त्यो त व्यवहारबाट देख्नु होला म जितेको जेठमा अहिलेसम्म एकजना मान्छे नै हटाएको छैन यो पनि बाध्यात्मक परिस्थिति हो बोर्ड सर्वोपरि हो बोर्डले बोर्डमा मैले आफ्नो कुराहरू ल बोर्डले सहमति दिएन मेरो व्यक्तिगत इच्छा र आकाङ्क्षा हुने भए त साउने गर्दै म्याथ पनि थिएन होला हजुरको मान्छेहरू राख्ने चाहिँ त्यस्तो तयारी पूर्व तयारीहरू छैन 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 कुनै छैन पैसाको कुरोले हटाएको त्यस्तो तयारी के के छ मन्त्रालयसँग यदि बजेट मागियो र उताबाट बजेट आयो भने उहाँहरूले नै पुनर्वहाल्यो हुन्छन् कि के छ अब यसको कानुनी जटिलताहरू के के छन् सबै कुराहरू किनभने बोर्डले असहमति दिइसक्यो त्यसपछि विधि र प्रक्रियामा त जानै पर्ने हुन्छ ऐन कानुनले के भन्छ त्यसै अनुसार